हाँ, सो हम कहाँ थे? योर टर्न। पियो। नाइस ना? हाँ, नहीं, इट्स ठीक है, माय टर्न। वाओ, मैं होता तो मैं खत्म कर देता, बट इट्स यू। कम ऑन, कम ऑन। वाओ, फैंटास्टिक! मतलब कैसे कर लेती हो तुम? कांग्रेचुलेशंस, यू वन, नॉट बैड। सो फाइनली माय जॉब इज डन। मैं यहां से जाता हूं और तुम सो जाओ। हैव अ गुड स्लीप, आई वोंट डिस्टर्ब यू। मलिक, मुझे नींद नहीं आ रही। कोई बात, together we will survive this, Nandini. We will. मानिक, ठीक है? ओके ना, तुम ठीक हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? नंदन, आई रियली डोंट नो वो किस बारे में बात कर रहा है।
क्या कह रही हो? क्या हुआ तुम्हें? Listen, have you lost it? तुम पता ना तुम क्या बोल रही हो? मैंने तो बुलाया था तुम्हें रांची से और तुम आ भी गई थी हमारे लिए. For us you came to speak about this. No, Manik. मुझे पंडित जी ने यहां बुलाया. इस फ्यूजन कॉन्सर्ट के लिए कल रात को मैं फ्यूजन कॉन्सर्ट अटेंड करने के बाद अपने होटल चली गई थी. मुझे सच में नहीं पता कल रात को क्या हुआ है. इंस्पेक्टर, पंडित जी बहुत अच्छे हैं. ही इज अ ब्रिलियंट टीचर एंड अ पर्सन एज वेल. रिधिमा तुम ये क्या कर रही हो? Listen, what's wrong with you? तुम पता है ना you're lying. तुम पता है ना तुम why you doing this? Listen, बात कर रहा हूँ मैं उससे. Listen, छोड़ मुझे. तुम ये क्या कर रही हो रिधिमा? You're lying, you know it. क्या हो रहा है यहाँ? अगर तुम चुप नहीं बैठे ना इस रूम से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें. हल्ला करके तुम विटनेस को दबा नहीं सकते, उसे डरा नहीं सकते. इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता इन दोनों का क्या चक्कर है. मैं तो आपको कल से कह रहा हूँ कि इस केस में मुझे टारगेट किया जा रहा है. इनफैक्ट मुझे नहीं पता कि ये लड़की मेरे गैराज में कैसे आई. कल रात को जब मैं रियाज करके सोने जा रहा था तो मेरे गैराज से अचानक आवाज आने लगी. जब मैं वहां पहुंचा तो देखा नंदनी वहां पे थी. इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, पता नहीं ये लड़का कहां से आ गया. सीरियसली तुम लड़ी लायो? झूठ बोल रहे हो तुम. आप छोड़िए, आप छोड़िए, आप इतना गिर सकते पंडित तुम? हाँ सर, ये बच्चे झूठ नहीं बोल रहे. और मेरी नंदू कभी झूठ नहीं बोलती सर. सर इस पंडित ने किया सब. तो क्या मैं जा सकता हूं? हाँ, हमें कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, देन यू आर फ्री टू गो. क्या इंस्पेक्टर? हाँ बिल्कुल. आई एम सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा. इट्स ओके. आई मिस यू कबीर. मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम किसी तरह घर वापस आ जाओ. पर ये तरीका नहीं है ना मॉम. आपको भी अच्छे से पता है कि यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द वे आई एम. द डे यू विल एक्सेप्ट मी आई विल बी बैक होम. लेकिन मैंने तो तुमसे नव्या से शादी करने के लिए नहीं कहा था. ये तुम्हारा अपना खुद का डिसीजन था. मॉम आप ये जानती हैं अच्छे से कि मैंने नव्या से शादी के लिए क्यों हाँ बोला. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प नव्या, यू नो इट, ताकि जो उसकी मॉम है जो हमारे सर पे चढ़ के बैठी हुई है वो वापस पटना चली जाए और नव्या को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा to think about her future, her life. And it is just a fake shadi, mom. Just a fake shadi. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम नव्या की हेल्प करना चाह रहे हो और दूसरी तरफ तुम इस शादी को फेक करना चाह रहे हो. I mean, why are you contradicting yourself, Kabir? Just think about it. Kabir, क्या तुम ये चाहते हो कि नव्या के बच्चे को पूरी दुनिया एक illegitimate child बोले? कि उसके बच्चे को कभी एक बाप का नाम ना मिले? कुछ भी हो तुम्हें ये मानना होगा नो मैटर व्हाट, एक फैमिली का होना एक बच्चे के लिए कितना जरूरी होता है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो. तुम्हारे पापा होते हुए भी कभी हमारे साथ नहीं थे लेकिन उनका नाम हमेशा तुम्हारे साथ रहा है. बट अनफॉर्चुनेटली नव्या के बच्चे को तो वो भी नहीं मिलेगा. जस्ट थिंक अबाउट इट कबीर. कबीर लेट हो रहा है. हाँ सो सॉरी गाइस वी आर लेट. एवरीथिंग इज डन गाइस. सब गड़बड़ हो गई. दैट रिधिमा शी बैक्ड आउट. क्या कैसे अब क्या करेंगे? मानिक रिधिमा से बात करने गया. और नंदिनी आई एम श्योर आप अपना फेस कवर करना चाहेंगी
to protect your identity.